गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास। नाउ टुडे इज़ योर राइम टाइम। पेज नंबर 146 पर आपको एक राइम दी हुई है, लुक एट द मून। ठीक है, चंद्रमा की तरफ देखो। तो यहाँ पर एक मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर एक बहुत अच्छी पोयम है। उसके पहले यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, देखिए यहाँ पर ये सन बना हुआ है और सन से ही मून और अर्थ दोनों को क्या मिलती है, लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है। Now we will start our poem. Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. यहाँ पर ये जो बच्ची है वो अपनी मम्मा से कह रही है कि ओ चंद्रमा की तरफ देखो, वह किस तरह से चमक रहा है, शाइन कर रहा है। ओ मदर शी लुक्स, मम्मा उसको देखो, वह हवा में किस तरह दिख रहा है, जैसे कि कोई लैंप लटका हुआ है। ठीक है, जो लाइट का बल्ब का जो लैंप आता है उसकी तरह हवा में लटका हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप लाइक अ बो। अब वो क्या कहती है कि लास्ट वीक जब मैंने इसको देखा था तो ये बहुत ही छोटा था। एंड शेप लाइक अ बो, इसका जो शेप था वो इस तरह से बो की तरह था, जो धनुष होता है उसको बो कहते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा चंद्रमा था और बो की तरह दिख रहा था। बट नाउ शी ग्रोन बिगर एंड राउंड एज एन ओ, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है और इसका जो शेप है वो जो ओ अल्फ़ाबेट होता है ABCD में, ओ फॉर ऑरेंज, ओ की तरह बिल्कुल ये राउंड दिखाई दे रहा है। देन आगे क्या कहती है वो, प्रीटी मून हाउ यू शाइन ऑन द डोर। ठीक है, देखो वो मून से बातें कर रही है, ओ इतने प्यारे सुंदर से मून, सुंदर से चंद्रमा, तुम दरवाजे पर किस तरह चमक रहे हो। एंड मेक इट ऑल ब्राइट ऑन माई नर्सरी फ्लोर, और तुमने सब तरफ अपनी रोशनी फैलाकर मेरी जो नर्सरी है, ठीक है, जहाँ मेरे खिलौने हैं, मेरा जो रूम है उसको बिल्कुल ब्राइट कर दिया है, उसको चमकदार बना दिया है। यू शाइन ऑन माई प्ले थिंग्स एंड शो मी देयर प्लेस, यानी तुमने मेरी जो खेलने की चीज़ें हैं उन पर क्या कर दी है, रोशनी कर दी है, और मुझे बिना रोशनी से उनकी जो रखने की जगह है वो दिखाई दे रही है। एंड आई लव टू लुक अप एट योर प्रीटी ब्राइट फेस, और मुझे तुम्हारा ये जो प्यारा सा चेहरा है, ब्राइट जो फेस है तुम्हारा, चमकदार जो चेहरा है, ये देखना बहुत ही पसंद है। एंड देयर इज़ अ स्टार क्लोज बाई यू एंड मे बी, ठीक है, वो क्या बोल रही है कि तुम्हारे पास जो स्टार है, जो तुम्हारे पास में है, वह भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एंड मे बी डैट स्मॉल ट्विंकलिंग स्टार इज़ योर लिटिल बेबी, और ये जो छोटे छोटे स्टार्स है, चमकते हुए सितारे हैं, ये बिल्कुल तुम्हारे छोटे से बेबी की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपकी जो पोयम है ये कंप्लीट होती है। पूरी पोयम मून के ऊपर है कि चंद्रमा की क्या क्या क्वालिटी होती है वो इस बच्ची ने अपनी माँ को बताई है। ठीक है, तो आपको पोयम को अच्छे से लर्न करना है। अब नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। फाइंड अ सूटेबल वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। फर्स्ट है द मून लुक्स लाइक अ डैश इन द एयर। हवा में मून किस तरह दिखता है, तो लैम्प की तरह, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्प। द स्मॉल मून लुक लाइक, जब मून छोटा होता है, चंद्रमा छोटा होता है, तो कैसा दिखाई देता है, बो की तरह, एक तीर की तरह, तो यहाँ पर क्या होगा, BOW, बो, धनुष की तरह दिखाई देता है। द राउंड मून लुक्स लाइक, और जब चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है तो जब कैसा दिखता है, ओ फॉर ऑरेंज की तरह। द ट्विंकलिंग स्टार लुक्स लाइक अ डैश ऑफ द मून, ठीक है, चमकते हुए जो सितारे हैं वो चंद्रमा के लिटिल बेबी की तरह दिख रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिटिल बेबी। नाउ लास्ट वीक द मून वॉज डैश बट नाउ इट हैज़ ग्रोन। लास्ट वीक क्या बोला था उसने, मून कैसा था, स्मॉलर, लेकिन अब वो कैसा हो चुका है, बिगर, तो यहाँ पर स्मॉलर लिखेंगे और यहाँ पर बिगर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी पोएम भी कंप्लीट होती है, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो आपको भी बुक में इसी तरह फिलअप्स को कंप्लीट करना है और पोएम को अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर आपके कम्युनिकेटिव के सारे जो चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ तक नोटबुक में जो वर्क दिया जा चुका है सारे चैप्टर्स का, वो आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है।
और बुक वर्क आप बुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।